हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेके आई हूँ। ये जो क्वेश्चंस हैं वो ज्योग्राफी के हैं और विश्व भूगोल के ये क्वेश्चंस हैं, और वो क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में इनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। हर वीक रोजगार निर्माण बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस देता है। अगर आप किसी कारणवश उसको नहीं ले पाते हैं तो इसलिए मैं आपके सामने वो क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आप उनको अच्छे से देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ाती हूँ वो खुद लिख के आपको समझाती हूँ, तो आप इसको देखिएगा। और जल्दी ही मैं MBBSC के लिए क्रैश कोर्स लाने वाली हूँ, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं अपने चैनल पर सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए जीके पढ़ाती हूँ, रेलवे, व्यापम, MBBSC, SSC, UPSC, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का औद्योगिक हृदय किसे कहा जाता है? यूरोप का औद्योगिक हृदय, जहाँ पे औद्योगिक कार्य ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं यूरोप में, तो किसको कहा जाता है? रूर प्रदेश, सार प्रदेश, न्यू इंग्लैंड प्रदेश या साइबेरिया प्रदेश। तो यूरोप का औद्योगिक हृदय जो है वह रूर प्रदेश को कहा जाता है। यूरोप का औद्योगिक हृदय किसे कहा जाता है? रूर प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकेसस खनिज तेल क्षेत्र किस देश में है? काकेसस खनिज तेल क्षेत्र किस देश में है? पाकिस्तान, ईरान, जर्मनी या रूस? काकेसस खनिज तेल जो है वो जर्मनी में है। काकेसस खनिज तेल कहाँ पे है? तो वह है जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइन नदी किस सागर में जाकर गिरती है? अरल सागर में, उत्तरी सागर में, कैस्पियन सागर में या भूमध्य सागर में? तो जो राइन नदी है वह गिरती है उत्तरी सागर में। राइन नदी कहाँ गिरती है? उत्तरी सागर में, यूरोप में ये बहती है जर्मनी के आसपास। तो ये राइन नदी किस सागर में बहती है? तो ये उत्तरी सागर में जाकर गिरती है। याद रखिएगा, राइन नदी उत्तर सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन को शेष यूरोप से कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल, इंग्लिश चैनल, डक्कन पास या कोई नहीं? तो ब्रिटेन को शेष यूरोप से कौन सा चैनल अलग करता है? तो इंग्लिश चैनल करता है। याद रखिएगा, ब्रिटेन को शेष यूरोप से अलग कौन सा चैनल करता है? इंग्लिश चैनल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्टिक देश जो है वो किस देश के हिस्से, इसमें कौन कौन से देश आते हैं बाल्टिक में देश में? तो एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, ये तीनों, तो ये तीनों ही बाल्टिक देश का हिस्सा है। एस्टोनिया भी, लिथुआनिया भी और लाटविया भी। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला तो हिमालय है, और दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज है, रॉकीज़ है, एटलस है या आल्पस है? दक्षिण अमेरिका में है एंडीज पर्वतमाला, और हिमालय पर्वत के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी एंडीज ही पर्वत श्रृंखला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस पर्वत श्रृंखला में है? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस पर्वत श्रृंखला में है? हिमालय में, रॉकीज़ पर्वत में, एंडीज़ पर्वत में या अरावली पर्वत में? तो कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है वो एंडीज़ पर्वत में श्रृंखला में है। याद रखिएगा, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस पर्वत श्रृंखला में है? तो एंडीज़ पर्वत श्रृंखला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटिकाका झील किन देशों के बीच में है? पेरू और बोलीविया, जर्मनी और फ्रांस, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो टिटिकाका झील है जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई से नीचे गिरती है, सबसे ऊंचाई पर पाई जाने वाली झील है ये। तो ये टिटिकाका झील किसके बीच है? तो ये पेरू और बोलीविया के बीच है। याद रखिएगा, टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया के बीच है। नेक्स्ट है, चुक्की माता खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहो है इसके लिए, तांबे के लिए, कोयले के लिए या सोने के लिए? तो चुक्की माता जो खान है वह तांबे के लिए प्रसिद्ध है। चुक्की माता खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में स्थानांतरण कृषि को लदांग के नाम से जाना जाता है? मैक्सिको, मलेशिया, भारत या ब्राज़ील? तो मलेशिया में स्थानांतरण कृषि को लदांग के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, किस में कहाँ पे जानते हैं स्थानांतरण कृषि को लदांग के नाम से जानते हैं? तो वो जानते हैं मलेशिया में। साइबेरिया में पाई जाने वाली मानव प्रजाति का उदाहरण क्या है? सामुवाइट जनजाति, युकागिर जनजाति, याकूत जनजाति या उपरोक्त सभी? तो ये सभी जनजातियाँ जो हैं वो साइबेरिया में पाई जाती हैं।
नेक्स्ट है, इंका जनजाति कहाँ पाई जाती है, पाकिस्तान में, पेरू में या न्यूजीलैंड में? तो इंका जनजाति जो है वो पेरू में पाई जाती है। इंका जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो इंका जो जनजाति है वो पेरू में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सकाई जनजाति कहाँ पाई जाती है, सकाई जनजाति कहाँ पाई जाती है, पाकिस्तान में, पेरू में या मलाया में? तो सकाई जनजाति मलाया में पाई जाती है, सकाई मलाया में पाई जाती है। भ्रंशदोणी झील का क्या उदाहरण है, मृत सागर, बैकाल झील या विक्टोरिया झील या सभी? तो भ्रंशदोणी झील सभी ही भ्रंशदोणी झील का उदाहरण है, मृत सागर भी, बैकाल झील भी, विक्टोरिया झील भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण कौन है, तिब्बत का पठार, मालवा का पठार, महाराष्ट्र का पठार या उपरोक्त सभी? तो अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण है तिब्बत का पठार। अंतः पर्वतीय पठार कौन से हैं, तिब्बत का पठार। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, तकला मकान मरुस्थल कहाँ पे है, तरीम द्रोणी में, लोपनोर द्रोणी में, कैरोलिन द्रोणी में या रेड द्रोणी में? तो तकला मकान जो मरुस्थल है वो तरीम द्रोणी में है। नेक्स्ट है, बेसाल्ट सेल में किसकी मात्रा अधिकतम होती है, अल्मोनियम की, कैल्शियम की, लोह की या सिलिकॉन की? तो जो बेसाल्ट चट्टाने होती हैं, बेसाल्ट सेल होती हैं, उनमें लोह पदार्थ की मात्रा अधिकतम होती है। नेक्स्ट है, यूएसए के किस भाग में पछुआ पवन के कारण साल भर वर्षा होती है? तो उत्तर पश्चिमी भाग में पछुआ पवन के कारण साल भर वर्षा होती है। सो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे 40 में से 18 क्वेश्चंस। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगी, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा, मैं कल ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके आती हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।